जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश सिलोड़ा आप सभी का सिलोड़ा ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत आसान सवाल है। बस आपको जब तक ये सवाल समाप्त नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक अपना 100% कंसंट्रेशन बना के रखना होगा। निश्चित तौर पे आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आएगा। और एक काम आपको और करना है, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें, ठीक है ना? और वो सारी चीज़ें आप नोट करते जाइएंगे जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखाई जा रही है और समझाई जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहला काम होगा सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है ना? तो चलिए, आठ मित्र MNOPQRS और T केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है ना? उसने कहा कितने लोग हैं हमारे पास? आठ लोग हैं। और ये आठों लोग एक वृत्ताकार गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक वृत्ताकार गोल मेज बना लेते हैं, ठीक है ना? आठ लोगों की पोजीशन को रख लेते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया, कितने? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ। आठ लोगों की पोजीशन हमने रख दी। अब ये जो आठ लोग हैं, एम से लेकर और कहां तक? टी तक, ये इन आठ पोजीशन में से कहीं पर भी क्या हो सकते हैं? बैठ सकते हैं, ठीक है ना? अब कैसे बैठाएंगे इनको, उसके लिए हमें जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पांच जो सूचनाएं दे रखी है, हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, उन इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से हमें क्या करना है? पढ़ना है। अब देखिए, इसके पहले के लेक्चर अगर आप लोगों ने देखे हुए हैं अच्छे से सिलोड़ा क्लासेस के, तो मैंने उसमें एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझाई थी कि अगर वृत्ताकार गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए लोग अगर केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो उन सभी का जो राइट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना? जैसे यहां पे एक घड़ी बना लेते हैं समझने के लिए थोड़ा सा, ठीक है ना? ये मैंने एक घड़ी बनाई, ठीक है ना? आपको पता है कि घड़ी के सबसे ऊपर कौन सा नंबर होता है? 1, 2, 1 और 2, ठीक है? सबसे नीचे कौन सा नंबर होता है दोस्तों? 6, ठीक है? और इस तरफ कौन सा नंबर होगा? 3। और इस तरफ कौन सा नंबर होता है? 9, ठीक है ना? अब देखिए, घड़ी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी? ऐसे, ये है घड़ी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ये। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी है? इसकी अपोजिट, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना? अब देखो, ये जो 1 और 2 जो नंबर है, अगर मैं कहूं कि यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है ए, कौन व्यक्ति बैठा हुआ है? ए। और ये कहां की तरफ देख रहा है? अंदर की तरफ देख रहा है। फेस कहां की तरफ है? केंद्र की तरफ है। तो आप मुझे बता सकते हैं इसका राइट कहां होगा? इसका राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमेशा कहां होगा? एंटी क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां होगा इसका राइट। और लेफ्ट कहां होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये होगा इसका लेफ्ट। बस इस चीज को ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट होगा। अगर वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए लोग अगर केंद्र की तरफ देख रहे हैं, कहां की तरफ देख रहे हैं? केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना? और ये और दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि अगर केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो तब राइट और लेफ्ट बदल जाता है। तो फिर राइट किस तरफ होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और लेफ्ट कहाँ होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे जैसे मानो इस 6, जो इस 6 नंबर है, यहाँ पे मान लो बी व्यक्ति बैठा हुआ है और ये कहाँ की तरफ देख रहा है? बाहर की तरफ देख रहा है। तो अब इसका राइट होगा
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, तो आ रही घड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां होगा इसका राइट और इधर होगा इसका लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर, ठीक है ना। तो यहां से दो चीजें आपकी समझ में आई, ठीक है ना। ओह सॉरी ये मिट गया यहां पे, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहां से दो चीजें हमें सीखने को मिली, हालांकि पहले वाले लेक्चर में भी अच्छे से मैंने चर्चाएं की थी, ठीक है ना। तो दो चीजें क्या निकली निष्कर्ष यहां से, कि अगर फेस बाहर की तरफ है तो राइट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और लेफ्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर फेस अंदर की तरफ है, ठीक है ना, वृत्ताकार मेज के केंद्र की तरफ है, तो फिर राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इससे मैंने आपको अच्छे तरीके से ये समझाया। अब देखिए पहले इंफॉर्मेशन हमें पढ़नी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तब जाके ये आठ के आठ लोग हमें क्या करने हैं, इस वृत्ताकार गोल मेज पर क्या करने बैठाने हैं। अब पहली सूचना क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन में वो कह रहा है कि एम एन के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, तथा आर के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब एक काम करो, अगर मैं M को यहां पे बैठाऊं, मैंने कहा M कहां पे बैठा है, अगर यहां पे बैठा है, एक चीज ध्यान रखना, सारे के सारे लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो एरो कहां की तरफ दिखा दो, अंदर की तरफ, ठीक है ना, एरो अंदर की तरफ, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि अगर M यहां पे बैठा है तो N कहां पर बैठा होगा, क्योंकि M को N के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठना है, तो यानी कि N होगा यहां पे, कहां पे, यहां, ठीक है ना। N का बाया किस तरफ आएगा, इस तरफ को, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पे कौन बैठा है, M। फिर आगे उसने कहा कि R के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो M है वो R के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो R किधर होगा दोस्तों, इधर, इसको, तो R होगा इधर, तो R का दाया किस तरफ जाएगा, इस तरफ को, तो फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पे कौन बैठा है, M। तो जो पहले इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने कितने लोगों को बैठा दिया है, तीन लोगों को, पहला M, दूसरा N और तीसरा कौन है, R, ठीक है ना। तो ये हो गया यहां पे R। अब चलिए सेकंड इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, सेकंड इंफॉर्मेशन में कह रहा है P M और N के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि जो P है न तो वो M के बगल में बैठा है, न तो यहां पे बैठा है, न तो यहां पे बैठा है, और ना ही N के बगल में बैठा है, न तो यहां पे बैठा है और ना ही यहां पे बैठा है। इसका मतलब कि P कहां पे बैठा होगा दोस्तों, अब एक ही तो प्लेस बचा, ये वाला प्लेस, देखो सारे जगह क्या है, पी की कोई भी स्थान खाली नहीं है, तो एक ही प्लेस है यहां पे बचा हुआ है, यहां पे किसको बैठाना पड़ेगा हमें, पी को, ठीक है ना। देखिए उसने हमसे कहा है सेकंड वाले इंफॉर्मेशन में, ढंग से पढ़ो, कि जो पी है वो एम और एन के बगल में नहीं बैठा है, जो पी है वो एम और एन के बगल में नहीं बैठा है, तो एम के दोनों तरफ भी नहीं बैठा है पी, और एन के दोनों तरफ भी नहीं बैठा है पी, ठीक है ना, ठीक है, और यहां पे तो ऑलरेडी आर बैठा है, तो एक ही प्लेस तो खाली बचा है ये वाला, तो यहां पे बैठा होगा कौन, पी। अब चलिए तीसरे वाली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला यहां पे हटा दो इसको जो मार्क किया हुआ यहां पे। अब देखो तीसरे वाली इंफॉर्मेशन, थर्ड वाली इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है, ओ और एस हमेशा एक दूसरे के बगल में बैठते हैं, जो O और S है वो हमेशा एक दूसरे के बगल में बैठते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो ये वृत्ताकार गोल मेज है इसमें दो स्थान एक साथ होने चाहिए खाली, तभी तो आप उन दोनों स्थानों पे किसको बैठाओगे, O और S को बैठाओगे, ठीक है ना। अच्छा एक साथ क्यों होने चाहिए स्थान खाली, क्योंकि O और S हमेशा एक साथ ही बैठे होंगे, ऐसा उसने तीसरी इंफॉर्मेशन में हमसे कहा है। देखो O और S हमेशा एक दूसरे के अगल बगल बैठते हैं। अब देखो इस जो ये वृत्ताकार गोल मेज है इसमें देखो कि दो प्लेस कहां पे खाली है, ठीक है,
ठीक है ना। देखो अगर इधर से चले तो यहां P और N के बीच में एक ही प्लेस खाली है, R और M के बीच में भी एक ही प्लेस खाली है, M और N के बीच में दो प्लेस खाली है। इसका मतलब जो O और S है वो यहां बैठेंगे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डाउट है कि या तो यहां पे O बैठ सकता है या तो फिर यहां पे कौन बैठ सकता है दोस्तों, S बैठ सकता है, दोनों में से कोई भी बैठ सकता है, और यहां पे भी दोनों में से कोई बैठ सकता है, या तो O बैठेगा, ठीक है, या तो कौन बैठेगा O या तो कौन बैठेगा S, ठीक है। कल हमें यहां पे क्लियर पता नहीं लग पा रहा है कि O यहां बैठेगा या फिर यहां बैठेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो चौथी वाली इंफॉर्मेशन है और जो पांचवी वाली इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, पांचवी वाली अगर इंफॉर्मेशन को हम पढ़े तो उसमें वो कह रहा है कि जो O है वो N के बगल में नहीं बैठा है, जो O है वो N के बगल में नहीं बैठा है। अब जरा देखो, अगर हम O को यहां बैठाएं तो N यहां पे हो रहा है, इसका मतलब O को यहां पे नहीं बैठाएंगे, फिर यहां पे कौन बैठा होगा दोस्तों, यहां पे होगा S, और फिर O कहां पे जाएगा, यहां ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमने कितने लोगों को बैठा दिया है, 1 2 3 4 5 6, अभी भी कितने लोग बचे हुए, 2 लोग बचे हुए, ठीक है। उसके लिए अब आओ पांच चौथी वाली इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। चौथी वाली इंफॉर्मेशन में क्या है, टी पी के बगल पर नहीं बैठता है, ठीक है, और पी कहां बैठा है, यहां बैठा है, तो इसका मतलब टी यहां पे नहीं बैठा होगा, तो 101% टी कहां पे बैठा होगा, यहां पे बैठा होगा। अब 7 लोग बैठ चुके हैं, अंतिम व्यक्ति जो छोटा उसको बैठा दो यहां पे, ठीक है ना, क्योंकि एक ही प्लेस हमारे पास क्या है, अब खाली बचा हुआ है, और अंतिम व्यक्ति कौन है, एम भी आ गया, एन भी आ गया, ओ भी आ गया, पी भी आ गया, लेकिन क्यू नहीं आया, तो यहां पे कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा। तो इस प्रकार से हमने इन 8 लोगों को क्या किया, इस वृत्ताकार गोल मेज पर क्या किया, बैठा दिया, जो कि कहां की तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं। देखो उसने कहा था एम एन के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अगर M यहां पे बैठा होगा तो दोस्तों N कहां पे बैठा होगा, यहां पे, क्योंकि N का बायां किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि फेस कहां की तरफ है, अंदर की तरफ है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब इस पर बेस्ड हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। तो देखो पहला सवाल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, M के दाएं तीसरा कौन बैठा है। तो देखो M के दाएं तीसरा कौन बैठा है, ये रहा M, और M का दाया किस तरफ होगा, इस तरफ होगा M का दाया, ठीक है। तो 1 2 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, N। तो पहले का आंसर क्या होगा, N। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, S के बाएं चौथा कौन बैठा है। तो S ये रहा, और S का बाया किस तरफ होगा, S का बाया होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो चौथा, 1 2 3 और 4, आंसर क्या होगा, R। तो इसका आंसर हो जाएगा R। तीसरा क्वेश्चन क्या है, T के दाएं चौथा, तो T के दाएं चौथा कौन बैठा है, ये रहा T, और T का दाएं किस तरफ होगा, इस तरफ को होगा T का दाएं। तो 1 2 3 और 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, N। तो इसका आंसर होगा N। और अंतिम क्वेश्चन क्या है, P के बाएं तीसरा कौन है, तो P ये रहा, और P का बाएं किस तरफ होगा, इस तरफ को होगा, ठीक है ना, ये रहा P का बाएं। तो चौथा बोल रहा ना, P नहीं, तीसरा, तो 1 2 और 3, तो आंसर हो जाएगा इसका S। तो इस प्रकार से जो ये सवाल था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उस पर बेस्ड थे कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि लेफ्ट और राइट का, ठीक है ना, और अगर लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से समझ में आ गया तो फिर सवाल भी बिल्कुल क्या होता है, चुटकियों में क्या होता है, सॉल्व होता है। तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अपनी नोटबुक पर भी क्या कर लिया, इसको उतार लिया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।